वंदना, अपनी बेटी की जगह लेने के लिए बिल्कुल सही लड़की चुनी है तुमने। पत्नी से पहले माँ बनने का पूरा हुनर दिखता है मुझे इनमें। मुझे ये लगता है कि ये कहना चाहिए कि हीरे को जौहरी मिल गया, है ना राज बेटा? तो भाग क्यों रहा है? सच देखना नहीं चाहता? तू अब भी उससे लगाव रखता है? और अब फैसला तेरे हाथ में, तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। सरिता देख कैसे आगे बढ़ चुकी है। अरे तू भी आगे बढ़ना। अब यही मेरी जिंदगी का सच है राजी, मैं किसी और की हो चुकी हूं। आप भी अब मुझे बुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ जाइए, क्योंकि हमारा एक दूसरे की जिंदगी में लौटना अब नामुमकिन है। अंधी हो क्या? वैसे अंधी तो तुम हो ही, एक ही जैसे एक ही शक्ल के दो इंसान कभी नजर आते हैं? वो भी एक ही शहर में और एक ही लड़की की जिंदगी में। अंकल आपका हाथ हटाइए ना, इधर मेरा कैमरा है। मेरी मम्मा और डैडी की फोटो खींच दोगे प्लीज? प्लीज अंकल एक फोटो। मम्मा देखो अंकल हम तीनों की फोटो खींच रहे हैं। जल्दी करो ना। थैंक्स कहो। थैंक यू। तीनों की फोटो खींच रहे हैं। सच देखना नहीं चाहता? अरे वो एक रात में किसी और की हुई, तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा? उसकी चिंता करता है जो तुझे भुला के किसी और की होगी। और अब फैसला तेरे हाथ में। मैडम शॉट में शूटिंग चालू है। मेकअप पिक ले करो, रोल, साउंड, एक्शन। भाई साहब, जिंदगी आपकी बाहों में, आपके साये में गुजरे अगर आप कबूल करें। आपके कदमों में चांद सितारे तोड़कर रख दूं। आपके लिए तो मैं जमीन और आसमान को भी एक कर दूं अगर आप कबूल करें।
दिव्या ये कौन आ गया है सेट पे? अरे शूट चल रही है कि मजाक चल रहा है? ए सिक्योरिटी स्पॉट बॉय सिक्योरिटी एक मिनट एक्सक्यूज मी क्या तरीका है ये राज? शूट चल रहा है यहाँ पे, तुम मेकअप रूम में इंतजार कर, मैं वहीं आती हूँ। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, तुम मुझसे प्यार करती हो? से प्यार करती हो राज? हाँ या ना? मुझसे शादी करोगी? मैं अपनी आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। ऐसे अचानक शूट के बीच में आके तुमने मुझे अंगूठी पहना दी, ऐसे होती है सगाई? हाँ, और ये 10 साल पहले हो जानी चाहिए, जो भी किया मैंने सही किया। और तुम्हारी पत्नी सरिता, उससे क्या कहोगे तुम? सरिता की शादी हो चुकी है दोबारा और वो बहुत खुश है अपने नए पति के साथ और घर संसार में। क्या सरिता का पुनर्विवाह हो गया? आखिर तुमने वो कर दिखाया ना राज जो तुम चाहते थे, विदा कर दिया ना तुमने उसे अपनी जिंदगी से? हाँ, और मैं उन्हें ये दिखाना चाहता हूं कि मैं भी खुश रह सकता हूं उनकी तरह, और मेरी खुशी की तरफ पहला कदम तुम हो। इसीलिए सरिता जी से गुस्सा होकर तुमने मुझसे सगाई कर ली? नहीं, मैं भी उन्हें दिखाना चाहता हूं कि मैं भी खुश रह सकता हूं उनसे भी ज्यादा, और मैं बस तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता एक दिन के लिए भी। विक्रांत जी ने आज मुंह दिखाए के वक्त महाबाऊ जी सबके सामने बहुत अच्छा बर्ताव किया। हमारे बीच जो भी मतभेद है उसकी हवा भी नहीं लगने दी किसी को, उन्हें थैंक्स करना चाहिए।
चश्मे हो गए। सब कितने खुश लग रहे हैं फोटोज में। हाँ, और सबसे ज्यादा खुश तुम थी। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, और मैं जो भी वादा करता हूं उसे पूरा करता हूं। दूसरों की तरह नहीं, जिन पर तुम्हें आज भी मुझसे ज्यादा भरोसा है। मैं आपको थैंक्स कहने आई थी कि मेरे परिवार वालों के सामने आपने बहुत अच्छा व्यवहार किया, और आप है कि मुझे ही ताने कस रहे हैं। क्या कहा? क्या कहा तुमने? शायद मैंने ठीक से सुना नहीं। तुम और मुझे थैंक्स कहने आई थी। एक बार इंडियन रुपी डॉलर से स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन तुम मुझे थैंक्स नहीं कह सकती, ये मैं जानता हूं। सही कहा आपने, रुपए की कीमत सुधर सकती है, पर आपकी अकड़ वो तो कभी सुधर ही नहीं सकती। मिस्टर अकड़ू? मैं अकड़ू हूं? अकड़ तुम में है, मुझ में नहीं। आपसे तो बात करना ही बेकार। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे भी तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? तुम आज देख लो अभी को स्कूल के लिए रेडी कैसे करना है। सीधे खड़े रहो। अभी की स्कूल डिसिप्लिन के मामले में बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है। उसके यूनिफॉर्म पे एक भी क्रीस नहीं आनी चाहिए, और डाक तो बिल्कुल नहीं। पर वो चुप, बस ऑब्जर्व करो। तुम्हारा आई कार्ड कहां है? हाँ, अभी इसके स्कूल के बुक्स, इसके कैलेंडर में इसके रोज का शेड्यूल रहता है, उसके हिसाब से बुक्स रखता है। पर मिस्टर सूर्यवंशी वो चुप, चुपचाप खड़ी रहो और सुनो। सूर्यवंशी, अभी के बाल गीले हैं, उसे जुखाम हो जाएगा। अच्छी, कोई बात नहीं, अभी अब मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाल कभी गीले नहीं रहेंगे, और मैं उसे ठीक से तैयार करके स्कूल भेज दूंगी। हाँ ठीक है, मगर कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। मिस्टर सूर्यवंशी, मैं हूं, आप नहीं हूं। तुम्हारा पेंसिल बॉक्स कहाँ है? बक बक करते रहती हूं बस। हाँ ठीक है, स्टाफ मीटिंग के बाद बुला लेना, इट्स ओके। विक्रांत बेटा, आपको नहीं लगता कि इतनी जल्दी अभी की जिम्मेदारी सरिता को देना ठीक नहीं? आई मीन, उसे आए तो अभी एक ही दिन हुआ है, और बच्चे पालने का एक्सपीरियंस भी तो नहीं उसे। आई नो मॉम, लेकिन अगर मैंने आपको, आपके पूरे परिवार को मेरी जिंदगी में, मेरे घर में जगह दी है, आप पर भरोसा किया है, ये जानने के बावजूद कि आपके बेटे ने एक लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, और इस करतूत में आपका पूरा परिवार बराबर का हिस्सेदार था, अगर मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं तो मुझे लगता है मैं सरिता पर तो भरोसा कर ही सकता हूं। अगर आज जानवी होती तो आप जानती हैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। Anyway, आपने तो दिखा दिया कि आपने अपने बेटे की परवरिश कैसे की है, क्या शिक्षा दी है। मैं चाहता हूं कि मैं सरिता को अपने बेटे की परवरिश करने का मौका दूं, और सरिता मेरे बेटे को शिक्षा दे। आप शायद ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या सरिता जानती है कि आज अभी के स्कूल में असेसमेंट है? मैंने प्रोजेक्ट भी खत्म कर लिया है, और मैंने टेस्ट की सारी पढ़ाई भी कर ली है। अभी ने मम्मा से प्रॉमिस किया है कि वो इस बार टेस्ट में 10/10 लेकर आएगा।
अभी बेटा चलो, अब आप जल्दी से डैडी के साथ ब्रेकफास्ट कर लो, मैं आपका स्कूल बैग एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। 10/10 राज, ये तुम कहाँ लाए हो मुझे? सबर रखो, पता चले आओ। लेकिन राज, हम तो तुम्हारे घर जाने वाले थे ना। तराई बिना बताए की है, लेकिन माँ बाबू जी को बताना होगा ना, बड़ों का आशीर्वाद लेना होगा ना हमें। वो भी ले लेंगे, लेकिन पहले उनसे मिल लो जिनसे मुझे शादी करने की प्रेरणा मिली। कहीं ये सरिता का ससुराल तो नहीं? स्कूल से ठीक 4 बजे वापस आ जाएगा, हो सके तो उसका होमवर्क करा देना, वो थोड़ा टाइम लगाता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका होमवर्क करवा दूंगी। और क्या नए इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं लकड़ू जी, जरूर कोई कमी नजर आई होगी। थैंक्स, इतने कम समय में तुमने अभी की छोटी छोटी बातें जान ली, रियली थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे थैंक्स कहा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। You're right. अब तक तुम्हारी तारीफ नहीं करनी चाहिए। प्रूफ yourself फर्स्ट। क्या बात है दिव्या, मुझे तो लगा था कि पुनर्विवाह के बाद पति पत्नी में झिझक होती है, लेकिन इन्हें देखकर कौन कहेगा कि इनकी शादी को सिर्फ 2 दिन हुए। रियली आप लोगों से प्रेरणा मिलती है, तभी देखिए आपके नक्शे कदमों पर चलकर मैंने भी सगाई कर ली। अपनी दिव्या के साथ टीवी की एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है सरिता जी, ये परिचय नहीं है दिव्या का। ये टीवी की मशहूर अदाकारा तो है ही, लेकिन उसके पहले मेरी जिंदगी का सबसे पहला और आखिरी सच्चा प्यार भी है। बहुत अच्छा लगा राज कि तुमने आगे बढ़ने का फैसला ले लिया, बीती हुई बातों को सामने लाकर क्या फायदा है ना। बिल्कुल विक्रांत जी, आपको मीटिंग के लिए जाना था ना, आपको लेट हो जाएगा। अरे नहीं, कोई जल्दी नहीं है, हमारे घर में गेस्ट आए, उन्हें अच्छी तरह बधाई तो दे दो। कंग्रेचुलेशन, मान गए तुम्हें राज, रातों रात सगाई कर ली। रातों रात नहीं विक्रांत, बहुत देर से हुई है सगाई, 10 साल बर्बाद कर दिए। देर से आए दुरुस्त है, मैं बहुत खुश हूं कि 10 साल बाद ही सही हमारे प्यार को मंजिल मिल गई। राज और इसके लिए सबसे पहले मुझे सरिता को थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू सो मच। अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला नहीं लेती तो ये दिन मैं कभी नहीं देख पाती। अब बहुत जल्द दूसरी मंजिल भी तय करनी है दिव्या, शादी की तारीख। क्या है ना, आजकल किसी चीज का भरोसा नहीं, रातों रात प्यार बदल जाता है। मेरा मतलब है कि नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, हमें घर जाना है, माँ बाबू जी का आशीर्वाद लेना है, उन्हें सगाई की खबर देनी है, शादी की तारीख वगैरह वगैरह सारी तैयारियां। और क्या है, इन सब चीजों में देर नहीं करनी चाहिए, कहीं किसी की नजर ना लग जाए हमारे प्यार को। चले सरिता जी, बड़ा
पागल है राज, रातों रात सगाई भी कर ली और किसी को बुलाया तक नहीं। तुम्हें भी नहीं।